हे गाइज, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज मैं फिर से आ गया हूँ सिविक सेंटर, ज़्यादातर मैं यहीं पे आया था गाइज। तो आज आपको दिखाने वाला हूँ, अंदर कैंटीन भी है, कैंटीन है, थोड़ा पार्किंग भी आपको दिखाएंगे कितनी खूबसूरत पार्किंग है। उसके बाद थोड़ा गार्डन भी है, काफ़ी अच्छे हैं, सारा व्यू दिखाऊंगा आपको। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। यहाँ पे एक जो सामने वाला जो गार्डन है उसमें खजूर की तरह पेड़ हैं, काफ़ी खूबसूरत लगते हैं और दूर से अच्छे भी लगते हैं। तो उस पर चिड़ियाँ भी होती हैं काफ़ी कुछ, और स्टाफ भी मेरे जानता है। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले चलते हैं कैंटीन, उसके बाद जाते हैं पार्किंग। तो चलिए कैंटीन चलते हैं, कैंटीन चल रहे हैं अभी भाई, कैंटीन जा रहे हैं अभी, कैंटीन मिलते हैं। चाय दे दो भैया, चाय। गाइस, पार्किंग कितनी सुंदर है और कितनी बड़ी है, देखिए। चल रहे नीचे, मैं पार्किंग में जा रहा हूँ, नीचे उतरता हुआ जा रहा हूँ पैदल। ये है पार्किंग का पहला तल, इधर बाइक पार्किंग है, इधर गाड़ियों की पार्किंग, फ्लोर की पार्किंग है। देखिए पहले फ्लोर की पार्किंग है, बहुत भरी हुई होती है क्योंकि यहाँ पर ठंडक होती है ग्राउंड में, इससे नीचे। और ये है दूसरे तल में हम जा रहे हैं, दूसरे तल में नीचे जा रहे हैं। अगर दूसरा तल आ गया, इसमें भी गाड़ियों की भरमार है पूरी, ये देखो। तो ये दूसरा तल है, ये तीसरे में मैं नीचे जा रहा हूँ। तीन मंजिल नीचे पार्किंग है, तीन मंजिल, देखते हैं वहाँ का तीसरे मंजिल का क्या व्यू है। तीसरा फ्लोर है ये देखिए, बहुत कम वाहन दिख रहे हैं, आप दिख ही नहीं रहे, देखो इक्का दुक्का गाड़ियाँ दिख रही हैं उधर। तीसरे फ्लोर में आ गए हम नीचे, तीन मंजिल नीचे आ गए, गाड़ी कम है पर इसके अलावा पार्किंग नहीं है। अब ये देखिए तीसरे मंजिल में पार्किंग है, ऊपर की तरफ पैदल वापसी जा रहे हैं। यहाँ पे आपको पिलर का नंबर याद रखना होगा अपना वाहन खड़े करते वक्त, और कुछ नहीं रखना होगा फ्लोर बाई फ्लोर, जैसे फर्स्ट फ्लोर है और पिलर नंबर याद रखना ऊपर तक। देख रहे हो आप, ऊपर चलते हैं अपन, देखते हैं मौका मिलता है। पहले पीछे जाएंगे इस बिल्डिंग के ऊपर, बाद में जाएंगे ऊपर। आ गए यहाँ से, जा रहे हैं ऊपर, देखो मशीन रखी है ना, इसमें अंदर होके रस्सी ऊपर जा रही है, ऊपर की सफाई इसी से होती है। देखो देखो कितनी ऊंची है, देखो पीछे का हिस्सा है पूरा। अभी चलते हैं ऊपर, थोड़ा पीछे गार्डन है वो देखते हैं, चलते हैं ऊपर। गार्डन कितना सुंदर है, शोर बहुत हो रहा है, ये देखो गार्डन देखो कितना मस्त है, पानी भरा उन्होंने, इनमें पानी भर जाता कभी कभी तो और अच्छा लगता है। ये देखिए, और सामने जो आपको दिख रहा है वो रामलीला मैदान है, ये देखो, ये देखो विशाल का है बिल्डिंग, ये देखो कितनी खूबसूरत लग रही है। यहीं गार्डन में मैं घूम रहा हूँ, यहीं पे अक्सर पहले आया करता था, अब काफ़ी दिन के बाद आया हूँ, क्योंकि काफ़ी बार बार दिखाना एक ही चीज़ को अच्छी बात नहीं है, बट अब कई बार दिन बाद आया हूँ मैं। काफ़ी खूबसूरत है, उधर एसी वगैरह लगे हुए हैं जो ठंडा करते हैं, प्लांट लगा हुआ पूरा। और जो सामने आपको दिख रहा है उस साइड वो रामलीला मैदान है, जहाँ पर अनशन वगैरह होता है, काफ़ी शोर है। ये देखो पूरा गार्डन है। एक बात नोट की है, जो ये खूबसूरती करा रहे हैं यहाँ पर, मतलब ऑफिस अच्छे अच्छे हैं और काफ़ी अच्छा गार्डन है यहाँ पर। लोग काफ़ी दूर दूर से, ये बिल्डिंग काफ़ी नाम है इस बिल्डिंग का, काफ़ी अच्छा, मुझे तो गाइड बहुत पसंद है। और लोग बाग जो है इसी गार्डन में बाहर खाना वाना खाते हैं अपने लंच में, और फिर अपना अंदर चले जाते हैं। काफ़ी ऊँचे ऊँचे हैं यहाँ पे, नीचे जा रहा हूँ मैं, वो सामने का दिखाऊंगा व्यू, इसके जो सामने बिल्डिंग में हम जो गार्डन है वो दिखाता हूँ आपको, उधर ही जा रहा हूँ। गार्डन तो भरमार है, देखो गार्डन की कितनी सुंदर है। गाइस छोटे छोटे गार्डन है, बिल्कुल सामने का व्यू है बिल्कुल, ये देखिए काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ का, पूरी बिल्डिंग खूबसूरत दिखती है आपको, ये देखो
दिखाता है खजूर कैसे पेड़, यही है वो पेड़, देखो कैसे सुंदर लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं, देखो ऐसी खूबसूरती नज़र आ रही है। पेड़ है भाई बहुत ही खूबसूरत है, देखिए आप हर चीज़ एकदम खूबसूरत नज़र आ रही है, देखो में आ गए चिड़िया कैसे बोल रही हैं। कितनी चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही है पता है आपको, खजूर कैसे पेड़ काफ़ी खूबसूरत है, देखो फुहारा है, मस्त चल रहा है फुहारा, यहाँ पे कबूतर भी नहाते हैं ना भाई, देखो और हमारे साथ वाले हैं जब भी यहाँ गार्डन में मिलते हैं, मतलब ये पौधे पौधे दिख रहे हैं ना आपको, इनकी वजह से दिख रहे हैं, बहुत सेवा करते हैं इन पौधों की, देखो इनका ही काम है, देखो पौधे सब जो गुड़ाई वगैरह ये सब पौधे सब इन्होंने लगाए हुए हैं, यहाँ तार वगैरह लगा दिए ताकि कोई जाए ना, देखो गार्डन है, देखो हमका कितना सुंदर व्यू है, ये है अपना सिविक सेंटर का। और मैं गाइस बताऊं आपको, छत पे इसलिए नहीं गया था क्योंकि बहुत हवा चलने की रोक थी, और ऐसी खूबसूरत वीडियो के साथ फिर मैं आपको कभी नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।